Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस है या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, और हमने कंक्लूड किया था मैनेजमेंट इज नथिंग बट तीनों चीज, ऑल थ्री ऑफ देम इज मैनेजमेंट. वो आर्ट भी है, वो साइंस भी है और वो प्रोफेशन भी है. यस, ये स्लाइड में हम देखने वाले, आज के वीडियो में हम देखने वाले व्हाट आर द मैनेजमेंट्स लेवल, व्हाट आर द लेवल ऑफ मैनेजमेंट. अलग अलग लेयर्स है, हमने पहले भी वीडियो में बात किया था, देर आर स्पेसिफिकली थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. वन इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, वन इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड थर्ड इज लोअर लेवल मैनेजमेंट. उसको डिटेल में देखने वाले हैं हम आज के वीडियो में. यस माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप स्लाइड में देख पाओगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. आपको उसके साथ में देखो कुछ कुछ लिखा हुआ भी दिखेगा. टॉप में अगर देखोगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट में देखोगे तो आता है एग्जीक्यूटिव कोचिंग. एग्जीक्यूटिव मतलब कौन, जो बड़े बड़े हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ये सब एग्जीक्यूटिव होते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं, बड़े बड़े प्लान को बताते हैं, बड़े बड़े प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, उनका ट्रेनिंग आता है वहां पे, बीओडीज आते हैं वहां पे. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में ये लोग आते हैं जो बहुत बड़े हैं, जो बहुत ही बड़े लेवल पे कंपनी को गवर्न करते हैं, कंपनी का काम काज पे देख रेख रखते हैं. यस, ये होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट. उन लोग एक ब्रॉड टारगेट दे देते हैं अपने लोअर लोगों को, दैट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट को. तो सर ये मिडिल लेवल में कौन कौन आएगा, मिडिल लेवल में आता है HODs of each and every activity. For example, HOD of purchase department, HOD of, HOD means head of department, HOD of sales department, HOD of finance department, HOD of advertisement department. Yes, तो ये सब आते हैं middle level में. इन लोग क्या करते हैं, टॉप लेवल के पास से खुद का रोल समझ के लेते हैं कि चलो आप बोल रहे हो कि चलो ये साल का ये टारगेट है तो उसमें मेरा रोल क्या होगा. यस, वो ब्रॉड कैटेगरी का जो भी टारगेट था उसमें आपका रोल क्या है, वो डिवाइड करने का काम किसका है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है. और मिडिल लेवल मैनेजमेंट फर्दर क्या करेगा, खुद को जो भी टारगेट मिला है फर्दर वो आगे डिवाइड करवा के लेंगे लोअर मैनेजमेंट के पास से, लोअर लेवल के पास से काम करवा के लेंगे. लोअर लेवल में कौन कौन आता है, सुपरवाइजर्स जो अपने वर्कर्स पे ख्याल रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर फैक्ट्री में समझो काम हो रहा है, फैक्ट्री में समझो कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और वहां पे 100 एम्प्लॉइज है, तो हर 25 एम्प्लॉय के ऊपर एक सुपरवाइजर, ऐसा 100 एम्प्लॉय के ऊपर कितना, 4 सुपरवाइजर्स रहेंगे. तो ये कहां पे आते हैं, ये 4 सुपरवाइजर कौन है, लोअर लेवल मैनेजमेंट. यस, दे आर नथिंग बट कॉल्ड एज लोअर लेवल मैनेजमेंट. वो क्या करते हैं, अपने वर्कर्स से काम करवा के लेते हैं. तो सर वर्कर क्या मैनेजमेंट में आते क्या, नहीं, तो मैनेजमेंट के हायरार्की में वर्कर नहीं आते, उनके ऊपर जो सुपरवाइज कर रहे हैं वो सुपरवाइजर आते हैं लोअर लेवल में. यस, सो ये तीन लेवल है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. ये आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि यही एग्जाम में नहीं आने वाला, नेक्स्ट ईयर भी आने वाला है. यस, देयर आर थ्री लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल एंड लोअर. यस, सो देखेंगे हम लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन क्या क्या है, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट में दिमाग में रखो कौन कौन आता है, BODs को दिमाग में रखो और CEO को दिमाग में रखो. यस, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. आपको उसके लिए कोड भी दिया है टॉप LVL, TOP LVL, टॉप लेवल के फंक्शन के लिए आपको एक कोड वर्ड दिया गया, टी फॉर टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट. बीओडी क्या करेगा, बीओडी क्या खुद काम करने जाएगा, आंसर इज एब्सोल्युटली नो. वो खुद काम करने नहीं जाता, वो क्या करता है, काम ठीक से चल रहा है कि नहीं हर एक डिपार्टमेंट में वो देखता है, हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है कि नहीं वो देखता है. ये डिपार्टमेंट को टारगेट दिया था 3 दिन में तेरा काम होना ही चाहिए. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन को बोला था 3 दिन में तेरा इतना इतना XYZ क्वांटिटी होना ही चाहिए, तो हुआ है कि नहीं वो देखने का काम है. वो जाके डे टू डे एक्टिविटी में काम नहीं करने वाले हैं, वो सिर्फ ये देखेंगे जिनको जो जो काम दिया था वो ठीक से काम हो रहा है कि नहीं, उतने दिनों में हो रहा है कि नहीं, वो टारगेट के हिसाब से, वो क्वांटिटी के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं. सो फर्स्ट फंक्शन इज टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट. सेकेंड पॉइंट इज ओ इज फॉर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं
उनको कैसे काम करना होता है, कंपनी के विजन एंड मिशन स्टेटमेंट के हिसाब से। आपने देखा होगा बहुत सारे विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। आप कोई भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट ले लो, क्या ले लो, एनुअल रिपोर्ट, उसमें पहला ही आप देखोगे चीज होता है विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। कंपनी क्यों है, कंपनी के क्या क्या विजन्स है, कंपनी बनाया गया था तब क्या पर्पज के साथ बनाया गया था, और आगे उसका काम क्या चीजों में होने वाला है, तो आपको विजन एंड मिशन स्टेटमेंट से मिलता है। तो यही आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो कौन देख रेख करता है, उसकी मैनेजर्स। मैनेजर्स देखते हैं कि कंपनी जो पर्पस के लिए बनाया गया है, जो टारगेट्स अचीव करने के लिए बनाया गया है, वो ठीक से हो रहे कि नहीं, कंपनी कोई और लाइन में तो नहीं जा रहा ना, वो देखने के लिए क्या करता है, मैनेजर देख रेख रखता है। यस, ताकि मैनेज जो भी कंपनी के आपके ऑब्जेक्टिव्स है वो यहाँ वहाँ ना हो, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही काम किया जाए। टाटास का ऑब्जेक्टिव ही क्या है, प्रॉफिट जो मिल रहा है उसको बिजनेसमैन में तो बांटो, शेयर होल्डर में तो बांटो ही बांटो, साथ में सोसाइटी में भी बांटो। तो आपने देखा होगा बीच में साइरस मिस्त्री का केस आप देखोगे तो उसको उसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हुआ था, दैट प्रॉब्लम्स वाज ड्यू टू दिस थिंग ओनली। एक बोल रहा साइरस मिस्त्री वाज ऑफ द ओपिनियन के बाबा नहीं, चलो ज्यादा से ज्यादा शेयर हम बिजनेस में यूज करते हैं रादर देन सोसाइटी के लिए, बट रतन टाटा वाज ऑफ द ओपिनियन के हमने जो हमारा जो बिजनेस पॉलिसी चलते आ रहा है, हमारा जो बिजनेस का स्ट्रक्चरिंग थिंकिंग चलते आ रहा है कि नहीं, मैक्सिमम पोर्शन डालो सोसाइटी के लिए और मिनिमम पोर्शन लो हमारे खुद के लिए, वो मिनिमम पोर्शन भी इतना बड़ा है कि शेयर होल्डर खुश ही रहेंगे, तो वैसे ही करो ताकि सोसाइटी भी खुश और हम अपने शेयर होल्डर भी खुश और अपना बिजनेस भी चलते रहेगा। तो उसके लिए प्रॉब्लम हुआ था, तो इसके लिए क्या होता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के काम करना, ये मैनेजमेंट का, टॉप मैनेजमेंट का काम है, फंक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लान्स एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। प्लान्स एंड पॉलिसी फॉर्मेशन कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। अगर समझो रिलायंस में जो जो पॉलिसीज एंड प्लान्स बन रहे हो कौन बनाएगा, अंबानी से बनाएगा, समझ रहा है क्या। तो जो भी कंपनी को गवर्निंग स्ट्रक्चर है, कंपनी को जो भी रोड मैप देना है, कंपनी को जो भी पाथ देना है, वो देने का काम कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा। यस, सो इट इज फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट टू फॉर्म द प्लान्स एंड पॉलिसीज। नेक्स्ट पॉइंट इज लीडर्स अपॉइंटमेंट्स फॉर मिडल लेवल मैनेजमेंट। आपने देखा होगा एचआर मैनेजमेंट करके कुछ सुना है, कंपनी में क्या होता है एचआर मैनेजमेंट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एचआर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये क्या काम करता है, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस अपॉइंट करता है। अगर समझो कोई इंजीनियरिंग वाला बंदा है उसको फाइनेंस में डाल दिया, और एक सीए है उसको इंजीन आईटी डिपार्टमेंट में डाल दिया, डोंट यू थिंक सो कंपनी बंद होने वाला है, कंपनी का सत्यानाश निकल सकता है, क्योंकि इंजीनियर वाले को इंजीनियरिंग बेस्ट आता है, उसको आईटी बेस्ट आएगा, जबकि एक सीए है तो उसको फाइनेंस बेस्ट आएगा, तो उसको अगर क्रॉस कर दोगे तो कंपनी पूरा का पूरा जा सकता है। तो इसके लिए क्या काम होता है, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। तो ये टॉप लेवल वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने लोअर लेवल वाले बंदों को अपॉइंट करते हैं ताकि खुद का काम उनसे करवा पाए। यस, सो दिस पॉइंट इज ऑल अबाउट लीडर्स अपॉइंटमेंट्स फॉर मिडल लेवल मैनेजमेंट। मिडल लेवल में एचओडीज कौन कौन होंगे, परचेस का एचओडी कौन होगा, सेल्स का एचओडी कौन होगा, फाइनेंस का एचओडी कौन होगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा, ये सब का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरीफाई इम्प्लीमेंटेशन। देखो प्लान देने का काम, आइडियोलॉजी देने का काम कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। यस, आइडियाज क्या क्या है, हमने क्या क्या प्रोजेक्ट्स अडॉप्ट किए हैं, ये सब डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, टॉप लेवल। अभी वो प्लान का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं ठीक से, वो देखने का काम कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। हमने प्लान तो बना लिया, अभी जो मिडिल लेवल वाले वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं वो तो देखना पड़ेगा ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉनिटरिंग। हमने काम तो हमने सोच के तो बना लिया, बट अभी आगे जाके फर्दर क्लासिफिकेशन हो रहा है कि नहीं, प्लान का इम्प्लीमेंटेशन प्लान के हिसाब से ही हो रहा है कि नहीं, वो देखने का काम कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। आपने बोल तो दिया कि एक क्वार्टर में 50 लाख ज्यादा कमाना है, वो ठीक से देखा जाएगा कि अभी प्लान के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, ज्यादा सेल्स हो रहा है कि नहीं, ये सब ज्यादा होएगा तभी तो अचीव होएगा आपका टारगेट। इसके लिए देखने का काम भी क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। इन लास्ट बट नॉट द लीस्ट लीड्स क्रिएशंस ऑफ वेरियस पोजीशन। ये क्या करता है, अलग अलग पोजीशन का
कैंडिडेट्स को चूज करने का काम। आपने देखा होगा अगर कोई भी आप इंटरव्यू में जाओगे तो एक दो बंदे एचआर डिपार्टमेंट के होते हैं और एक बंदा कोई टॉप लेवल में से भी होता है, ताकि वो जाने कि हमारे कंपनी में जो काम करने आ रहे हैं लोग वो कैसे हैं, वो प्रॉपर है कि नहीं, वो प्रॉपर सूटेबल कैंडिडेट है कि नहीं, वही काम पे आने चाहिए। जो सूटेबल नहीं है वो काम में नहीं होने चाहिए, उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाता है। यस, सो ये सब है टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस। आपके लिए कोड भी बनाया गया है टॉप LVL। यस, सो होपफुली आपको ये वीडियो से बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियरिटी आया रहेगा। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल Ekeeda।